आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखा है पत्र। देश में बढ़ते संक्रमण पर केंद्र ने पत्र लिखा, इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा, जहां पत्र में कहा ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा, भारत में भी कोविड केस तेजी से बढ़ रहे। कोरोना को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखा है पत्र, जिसमें देश में बढ़ते संक्रमण पर केंद्र ने पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा, पत्र में कहा ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, भारत में भी कोविड केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखा है पत्र, जहां देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये पत्र लिखा गया है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है, जहां पत्र में कहा ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, भारत में भी कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूपी सचिवालय भत्ता का हुआ है खुलासा, योगी कैबिनेट ने दी है मंजूरी। सचिवालय समन्वय समिति ने जताया है आभार, पदाधिकारियों ने सीएम का जताया है आभार। अध्यक्ष राजवेंद्र सिंह मिश्र ने जाहिर की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सचिवालय भत्ता का हुआ है बहाल, जहां योगी कैबिनेट ने दी है मंजूरी। सचिवालय समन्वय समिति ने जताया है आभार, पदाधिकारियों ने सीएम का जताया है आभार। अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने जाहिर की है खुशी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव करेंगे चादर पोशी, हजरत मखदूम शामी नाश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव करेंगे चादर पोशी, जिसमें हजरत मखदूम शामीना शाह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव करेंगे चादर पोशी, जहां पर हजरत मखदूम दरगाह में करेंगे चादर पोशी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मेरठ दौरे पर जाएंगे पीएम योगी, अमर जवान ज्योति पर करेंगे, औघड़नाथ मंदिर में महादेव का करेंगे पूजन, आर्मी हेलीपैड के सलावा जाएंगे पीएम मोदी, सलावा में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला, सलावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरठ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर, अमर जवान ज्योति पर देंगे श्रद्धांजलि, औघड़नाथ मंदिर में महादेव का करेंगे पूजन, जहां आर्मी हेलीपैड के सलावा जाएंगे पीएम, सलावा में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला, सलावा में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। मेरठ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अमन जवान शहीद ज्योति को देंगे श्रद्धांजलि, जहां औघड़नाथ मंदिर में महादेव की करेंगे पूजा अर्चना, आर्मी हेलीपैड से सलावा जाएंगे पीएम मोदी, जहां सलावा में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है समीक्षा बैठक, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है बैठक, सभी मंडलायुक्तों जिलाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां शीघ्र पूरी हो, आपराधिक तत्वों माफियाओं पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है समीक्षा बैठक, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की गई, जहां सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है, जिसमें चुनाव को लेकर सभी तैयारियां शीघ्र पूरी की जाए, जहां आपराधिक तत्वों माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। सीतापुर दौरे पर जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे स्वतंत्र देव सिंह,
किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रेउसा में प्रतिमा का अनावरण करेंगे सुतन देव सिंह। सीतापुर दौरे पर जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सुतन देव सिंह। किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रेउसा में प्रतिमा का अनावरण करेंगे सुतन देव सिंह। पूर्व पीएम अटल जी प्रतिमा का अनावरण करेंगे सुतन देव सिंह। किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।